सीधे मुद्दे की बात शैलेन पाराशर के साथ सिर्फ आयन 7 न्यूज पर। नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेन पाराशर, अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना प्रत्याशी राजीव वर्मा ने दाखिल किया नामांकन। राजधानी की हुजूर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी राजीव वर्मा ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा, भाजपा एवं पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जिस तरह से क्षेत्र का विकास कार्यों को नजरअंदाज किया है, उससे हुजूर की जनता में आक्रोश है। वहीं कांग्रेस के लिए कहा कि प्रदेश में अपना अस्तित्व योजना लागू करने को प्राथमिकता देंगे, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों युवाओं के साथ धोखा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विकास नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, युवा रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे। जीत की जनता का इन तमाम समस्याओं का निदान कर दिल जीतना मेरी कोशिश रहेगी। और जाने अपने गली नुक्कड़ सूबे और शहर की बात आईएन 7 न्यूज के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।